की आगे हो तब बताऊंगा। ठीक है चली जाती है, अपने पतिदेव से बेटा से बेटी से कहती है महात्मा जी आए हैं, उन तीनों का नाम है, पाला का नाम है धन, दूसरा का नाम है सफलता और तीसरे का नाम है प्रेम भक्ति, इनको बुलाना चाहता है। उनके पतिदेव ने कहा देखो बिजनेस व्यापार में हमारे फैक्ट्री में बहुत घाटा लग गया है, अगर धन आ जाएगा तो काम चल जाएगा, इसलिए धन को बुला लो। धर्म पत्नी कहती नहीं नहीं हमारा विचार है सफलता को बुला लीजिए, सफलता आ जाएगा तो धन तो अपने आप आना ही है, आ जाएगा। उनकी बेटी बेटा बोलता है नहीं नहीं हमारा तो विचार है प्रेम भक्ति को बुला लीजिए। माता पिता को बात बच गई, सब मिलकर के गए महात्मा को बुलाने के लिए। कहती है प्रेम भक्ति कौन है, चलिए हमारे घर में सत्संग कर दीजिए। प्रेम भक्ति चलने लगे तो पीछे से धन भी चलने लगा, उसके पीछे सफलता भी चलने लगा। माता जी कहती महाराज मैं एक को बुलाई हूं आप तीन जा रहे हैं। प्रेम भक्ति ने कहा आप समझे नहीं, जहां प्रेम भक्ति जाता है वहां धन भी जाता है और सफलता भी साथ नहीं छोड़ता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवो कर जोड़ी पल पल छो न छोड़िए सुनिए गुरु बोलिए। हम भी अपने जीवन में भक्ति करें, भक्ति स्वतंत्र सकल खानी बिन सत्संग में पाले पाते। स्वामी जी ने कहा बाड़ी मध्य मृत हो बरु शिक्षा आते बरु तेल बिनु हरि भजन में भक्त करिए यह सिद्धांत बेल। पानी के मथने से चाहे घी निकल जाए, बालों को पिड़ने से चाहे तेल निकल जाए, अरे विज्ञान ने उन्नति किया है प्रोग्रेस किया है। आज का विज्ञान कंप्यूटर और इंटरनेट बनाया है, आज इंटरनेट का जमाना है कंप्यूटर का जमाना है। आज का वैज्ञानिक कितने प्लैनेट्स ग्रहों की खोज कर रहा है, परमाणु बम एटम बम न्यूट्रॉन बम अनुबम कितने बम तैयार हो गए, एक बम को अगर गिराया जाए तो संपूर्ण दुनिया को नष्ट कर देगा। हमारे वैज्ञानिक पानी को मत करके घी तो नहीं निकाला लेकिन पानी को मत करके बिजली पैदा कर लिया है, कर लिया है। कल हो सकता है घी भी निकाल लें, बालों को पेट करके तेल भी निकाल लें, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी डंकी की छुटका दे चाहे कुछ भी कर लो दुनिया में, खरगोश के माथे पर स्टिक जम जाए, आकाश में फूल खिल जाए, अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, बाज का बैठक किसी को मार दे, लेकिन भगवान का भजन किए बिना संसार में किसी का कल्याण नहीं हो सकता। क्राइस्ट जीसस ने कहा Whosoever shall call upon the name of Lord shall be saved। वह जो परमात्मा का गुणानुवादन करेगा यमराज के पद से सदा के लिए छूट जाएगा। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी महाराज धर्म सम्मेलन में कहा वर्क ऑन टू डेथ वेन आई एम गॉन माई स्पिरिट विल वर्क विद यू द वेल्थ फेम एंड एंजॉयमेंट्स आर ओनली फॉर ए फ्यू डेज दीज आर मोर्टल सो बी केयरफुल अंडरस्टैंड अप एंड फाइंड आउट योर डिविनिटी सेल्फ रियलाइजेशन एंड बी कॉन्शियसनेस। जीवन भर तो काम करो, ये धन जवानी और पद सदा रहने वाले नहीं है। महर्षि संजीवी जी महाराज कहते थे या तो तुम शरीर को छोड़कर के चले जाओगे, धन नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, पद को छोड़कर के चले जाओगे तुम तुम्हारा सब कुछ छोड़ जाता है, तुम्हारा धर्म तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे साथ जाता है। स्वामी जी ने कहा धन जमाने और पद सदा रहने वाले नहीं, नाशवान है। इस जीवन में उस परमात्मा का साक्षात्कार करो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने
बड़े स्वाभिमानी महापुरुष थे, मात्र 40 साल के अवस्था में शरीर त्याग दिया। स्वामी राम कृष्ण जी महाराज कहा करते थे, जिस दिन नरेंद्र को आत्मा का ज्ञान हो जाएगा उस दिन शरीर नहीं रहेगा। जब उस महापुरुष पर गुरु की कृपा हुई, साक्षात्कार हुआ, उसी दिन बतलाते हैं बाजार में जाते हैं, 3 फूल की माला खरीदते हैं, 1 फूल की माला रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के गले में डालते हैं, 1 फूल मां शारदा के गले में डालते हैं और 1 फूल अपने आप पहन लेते हैं। अरे अपने आप पे माला पहनता अपने गला में। स्वामी विवेकानंद जी महाराज इतने स्वाभिमानी महापुरुष थे कि अपने से माला अपने गला में डाल दिया। नो टू होम सेल्फ, अपने आप को जानिए, आत्मानुबुद्धि इस आत्मा को जानिए, और जो अपनी आत्मा को जानेगा वही परमात्मा को जानेगा, जो आत्मा को नहीं जानेगा वो परमात्मा को नहीं जान सकता है। तो कहने की बहुत बात है, दिवंगत आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा राम कुमारी वर्मा जी, जो बड़ी ही पुण्यवती थी, उनके लिए श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है। बहुत सारे भक्त श्रद्धा पुष्प चढ़ाए और चढ़ाएंगे, मैं भी उनके चरणों में इसी बात को पुष्प को अर्पित करता हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, जहां ये पुण्यवती माता गई है अपने चरणों में जगह दे, प्रभु अपने चरणों में जगह दे, इस आत्मा का कल्याण हो, पूर्ण शांति हो और इस परिवार का पूर्ण रूप से कल्याण हो, उद्धार हो। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज के चरणों में नमन, आप लोगों को भी नमन और अपने वाणी को ही विराम। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।